हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके फर्स्ट स्पैनिश के लेसन में। तो आज के लेसन में हम स्पैनिश के अल्फाबेटोस मतलब स्पैनिश की वर्णमाला याद करेंगे। स्पैनिश में 27 वर्ण होते हैं जिनका सही से उच्चारण करने का तरीका आज हम याद करने की कोशिश करेंगे। इन वर्णों को अच्छे से याद करने के लिए आप इनको मेरे पीछे पीछे दोहराइए। आ बे से दे ए एफ ए खे आचे ई खोता का एले एम ए एन ए एन ए ओ पे कू एरे एसे ते ऊ ऊबे दोबले ऊबे एकिस ईग्रीएगा सेता। 27 वर्णों के अलावा स्पैनिश की वर्णमाला में पहले कुछ और वर्ण भी थे जो मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिए हैं। वर्तमान सूची में ये वर्ण स्पैनिश वर्णमाला का हिस्सा नहीं है। तो ये वर्ण है चे एलिए या फिर दोबले एले एरे या फिर दोबले एरे। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं ये अल्फाबेटोस अच्छे से याद कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, लेकिन वीडियो के बाद मैं इसको अपने आप कैसे याद कर पाऊंगा या फिर याद कर पाऊंगी। मेरे पास आपके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहला टिप, जब भी आप ये स्पैनिश के अल्फाबेटोस याद करें तो इनको कृपया हिंदी में लिखने की कोशिश ना करें। आप धीरे धीरे इन अल्फाबेटोस को याद करने की कोशिश करिए और इनको याद करने का तरीका जो कि मैं अपनी क्लासेस में हमेशा यूज करती हूँ वो ये है कि आप एक बार में एक अल्फाबेट लीजिए, उस अल्फाबेट को 8 बार प्रोनाउंस करने की 8 बार उसका उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। जब आपको वो अल्फाबेट तो अच्छे से याद हो जाए तो आप उसमें दूसरा अल्फाबेट तो जोड़ दीजिए और उसको भी 8 बार सही से बोलने की कोशिश करिए। ऐसे ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हर बार जब भी आप शुरू करेंगे तो आप अपने पहले अल्फाबेटों से आ से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रक्रिया में आपको थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि जब आप ये वर्णमाला अच्छे से याद कर लेंगे तो आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। और आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये सूची याद हो गई है या नहीं, उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा टिप है। आप इन अल्फाबेटोस को उल्टे क्रम में यानी कि सेता से आ तक अपने आप बोलने की कोशिश करिए। अगर आप इसको सेता से आ तक उल्टे क्रम में बोल सकते हैं मतलब कि आप इसको अच्छे से याद कर चुके हैं, और इसका मतलब ये भी है कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए या इस वीडियो के ग्रह कार्य जिसको हम स्पैनिश में तारेया बोलते हैं उसके लिए तैयार है। तारेया करना या ना करना ये पूरी तरह से आप पे निर्भर है। इस तारेया का, इस टास्क का, इस ग्रह कार्य का मकसद ये है कि आप ये जान सके कि जो भी आपने वीडियो में पढ़ा है क्या उस टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया है, और बिना किसी मदद के क्या आप उस टॉपिक पे अपने आप से काम कर सकते हैं। हर तारेया के उत्तर आपको उसकी अगली वीडियो में मिल जाएंगे। उसके अलावा भी उस तारेया से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी शंका या प्रश्न हो तो प्लीज उसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं जल्द से जल्द उसके जवाब देने की कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ कि आपको स्पैनिश के अल्फाबेटो सीख के मजा आया होगा, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले स्टेप पे। एडियोस।